एकदम ठंडे पानी से, और वो खड़े कर दिए बिल्कुल, जो कोई बाल होते हैं और इतने लंबे लंबे बाल टेढ़े मेढ़े, इतना सारा तेल सर में। हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मौसम देखिए क्या मस्त हो गया है सुबह सुबह ही। जैसा कि कल रात से ही एकदम बारिश टपक रही थी, ऐसी रुई की टाइप की टपक रही थी, लेकिन अभी सुबह होते होते देख सकते हैं बरसात शुरू हो चुकी है, रिमझिम रिमझिम, और एकदम बढ़िया वाली बरसात हो रही है और छांत में चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। और पीछे प्रियांशु नाश्ता करके आ चुका है, सुबह सुबह ही नाश्ता कर दिया है बिल्कुल। तो आप क्या करना है, पढ़ाई करनी है? तो देख सकते हैं इसके बाल भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो इसके बाल भी कटवाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे करना है इसके बाल। ना ना, स्कूल जो खुलने वाले हैं, छोटे तो स्कूल खुलने वाले थे क्या? स्कूल में तो और छोटे बाल चलते हैं, स्कूल में बड़े बाल चलते हैं। हमारे समय में मास्टर थे ना, वो ऐसे बाल पकड़ के चारों तरफ घुमा देते थे, ठीक है नी। आजकल तो तुम मुँह लगे बच्चे हो, मास्टर भी डरते हैं बच्चों से। पहले के मास्टरों को देखे ना, बच्चे थर 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 कांपते थे। हाँ, बाल छोटे करने हैं एकदम, हीरोपंती बाद में होगी, पहले पढ़ाई होगी। इधर उधर का नहीं, पूरा सपाचट होगा मैदान। आज जाएगा, आज क्या बुधवार है ना, और मैं आऊँगा साथ में, नहीं तो तू बहुत छोटे बड़े करके लाता है। देख क्या अभी से ऊपर को करने के बाल हैं तेरे, दिन सिंपल होने चाहिए बाल बच्चों के, नीचे को है नहीं। तो प्रियांशु के बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो आज ये बाल कटवाने जाएगा, और मैंने इससे कह दिया है कि बाल बिल्कुल छोटे छोटे करके लाएगा, जो मेरे हाथ में ना आए। नहीं तो छोटे नहीं करके लाएगा तो मैं घर में इसके कैंची से सारे बाल उड़ा दूँगा। नीचे देख सकते हैं कोको भी एकदम बरसात का आनंद ले रहा है, सोया पड़ा है एकदम से सुकुड़ के। तो कोको जैसे ही हम खोलते हैं तो ये एकदम रफू चक्कर हो जाता है, तो कल भी इसको शाम को खोला था तो ये रात को गायब हो गया, पता नहीं रात में कब आया, कब आया ये, रात में आया कब आया, सुबह आया, फिर खाना कब खाया इसने, फिर ना इसने खाना खाया ना कुछ। तो इसको खोलना मत बिल्कुल अब, ठीक है नहीं, जो घुमाना होगा आज से घुमाना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चले जाता है। देख सकते हैं बारिश क्या मस्त वाली हो रही है, एकदम रिमझिम रिमझिम बढ़िया बारिश हो रही है, और फसल के लिए तो ये बारिश एकदम अमृत है, इस तरह से जो रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। और पिताजी भी देख सकते हैं बारिश में ही नहा के आ गए हैं एकदम नल पे, पिताजी अंदर नहीं नहाते बाथरूम में, नल पे ही नहाते हैं एकदम ठंडे पानी से। पिताजी बिल्कुल नहा के आ चुके हैं एकदम फ्रेश होकर। पिताजी पहले सुबह सुबह उठकर चाय वाय पीते हैं, उसके बाद पूरे खलिहान की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और उसके बाद नहाते हैं, और उसके बाद नाश्ता करेंगे, और फिर लक्ष्मी के लिए कुछ चारा पानी ज़रूर करेंगे एक बार, नहीं तो इनका मन नहीं लगता है, तो फिलहाल तो इनने नहा लिया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रसोई में, और रसोई में चल रही है नाश्ते की तैयारी। देख सकते हैं आटा वाटा गूंथ के रखा हुआ है, और सब्जी अभी तो कुछ बनाई नहीं है आज लग रहा है, तो आज क्योंकि मट्ठा बनाई हुई है, और कल मैंने नमक पीसा हुआ है बढ़िया से, तो उसी के साथ आज नाश्ते का मज़ा लेंगे हम, क्योंकि प्रियांशु ने तो नाश्ता कर दिया। कैसा हो रहा है नमक, बढ़िया हो रहा है? तो ठीक है, कल मैंने नमक बनाया है बढ़िया से, उसमें पीस पास के एकदम पहाड़ी स्टाइल में, तो तब से सभी लोग नमक से ही खा रहे हैं, सब्जी बनाते भी हैं तो नमक के साथ ही खाते हैं, क्योंकि मट्ठा हो और नमक हो तो नाश्ते का मज़ा ही दोगुना क्या चार गुना हो जाता है। और ये देख सकते हैं लल्लू चीब, वो देख तो बेचारा कैसे परेशान हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो लक्ष्मी को तो एकदम मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, जुगाली कर रही है एकदम मस्ती से, लेकिन लल्लू थोड़ा सा परेशान है क्योंकि बच्चा है छोटा। हाँ बेटा क्या नाले यार, कुछ नहीं होता है नाले, थोड़ी देर अभी बांध देंगे। इधर देख सकते हैं खेतों में निराई चल रही है, और बारिश में ही निराई चल रही है, देख सकते हैं ये इधर पे दिख रहे हैं लोग, ये देख सकते हैं। तो बारिश में निराई करने का मज़ा ही कुछ और है, ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके और दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं निराई चल रही है। गर्मी तो कहीं गायब सी हो गई है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि मौसम स्विट्ज़रलैंड वाला है, नैनीताल वाला है, ना गर्मी ना ठंडा। तो कल से तो और ही बढ़िया हो गया, क्योंकि कल एकदम ऐसे फब्बारे की तरह बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी रात भर। तो ये देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है, चारों तरफ एकदम बढ़िया अच्छी हरियाली, क्योंकि रोज़ लगभग बारिश हो रही है, तो उससे पेड़ पौधे फसलें भी
एकदम लहलहा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सब मस्ती में झूम रही हैं, गा रही हैं सारी फसलें। यहाँ भी देखिए निराई चल रही है बारिश में ही, देख सकते हैं वो उधर निराई कर रहे हैं। जैसा कि मौसम बहुत बढ़िया हुआ है तो ऐसे में निराई गुड़ाई करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो खेतों में घास भी काफ़ी हो चुका है बरसात होने से, सारे लोग अभी निराई करने में लगे हुए हैं और ऊपर से रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही है, तो ऐसे में आनंद ही कुछ और है निराई करने का। तो अब चलते हैं अंदर और करते हैं नाश्ता। प्रियांशु ने अभी देखे क्या बन गया है, ये जैसे पुराने ज़माने में हीरो होते थे उस टाइप का लग रहा है अभी। ऐसी बाल होना चाहिए बच्चों के, ठीक है नहीं? ये ऊपर को खड़े कर दिए बिल्कुल, जो कोई बाल होते हैं हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं ऐसे बाल हैं? ये ऐसे बाल बिल्कुल बेकार लगते हैं, एक रत्ती के बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गंदे बाल लगते हैं। ऐसे करा करो, छोटे करके लाना, ठीक है नहीं? ऊपर को करके ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा बच्चा होगा, है नहीं? इतने छोड़ दो, इतने नहीं बिल्कुल छोटे कर लेना, फिर बाल तो क्या है फिर उगाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। ऐसे तो अभी इतना हीरोपंती की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं? अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, जब कॉलेज पहुंचते हैं ना उसके बाद ही ये समय आता है हीरोपंती की। तो एक हमारा समय था, हमें ना बालों की खबर, ना कपड़ों की खबर, ना ड्रेस की खबर, बस कंधे में बस्ता लटकाया और इतने लंबे लंबे बाल टेढ़े मेढ़े और इतना सारा तेल सर में माँ बाप डाल देते थे और एक तरफ को बाल चिपका चिपका के स्कूल चल देते थे। लेकिन आजकल के बच्चे देखो, बस फैशन चाहिए हर चीज़ में, मोबाइल भी चाहिए, फैशन भी चाहिए, एक से एक कपड़े भी चाहिए और बैग भी स्टाइलिश होना चाहिए, हाँ 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 हाँ, और पढ़ाई बिल्कुल जीरो। और यहाँ निक्की मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है, देख सकते हैं। तो आ चुका है मेरा नाश्ता, देख सकते हैं घी लगी हुई रोटियां हैं और इसमें मट्ठा है और इसमें एकदम लाजवाब सिल पिसा हुआ नमक। ओए होए 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 होए, खुशबू इतनी लाजवाब आ रही पूछो मत, इससे तो मेरी भूख और चार गुनी हो गई है। तो मैं कर लेता हूँ नाश्ता और मिलते हैं नाश्ते के बाद। हो चुका है मेरा नाश्ता और नाश्ते में एकदम मज़ा आ गया और अब पिताजी को दवाई देने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और निक्की पिताजी को दवाई देगी, पानी गर्म कर रही है और पिताजी को दवाई देनी है और कोको को रोटी देनी है, लल्लू को रोटी देनी है। तो सबसे पहले तो हम पिताजी को दवाई देते हैं। पिताजी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं फिलहाल तो, लेकिन थोड़ी ताकत की और खून बढ़ने वाली दवाई है। देख ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। हाँ ठीक है, गुनगुना करना है खाली, वो दवाई है ये रखिए यहाँ पर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, देखिए। तो अब मैं कोको को रोटी देता हूँ और उसके बाद लल्लू को देता हूँ, खाता है कोको तो खाएगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा खाएगा ये। ले ले, तो ये देख सकते हैं खाता ही नहीं है दिन में बिल्कुल, शाम को खाता है बस हो गया और दिन भर सोया रहता है ऐसी, ले खाएगा ही नहीं। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही है। तो अब चलते हैं लल्लू के पास, वो भी बेचारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है। अरे लल्लू भीग गया पूरा, तू भीग गया, भीग गया, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा, ये ले खासा पास, ये ले चल ठीक है, थोड़ा मम्मी को देते तेरी, ले ले चल, चलो चलो, हो गया ठीक है, इतना ही खाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।